हेलो फ्रेंड, खुशबू की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको नई रेसिपी बनाना बताएंगे। तो देखिए, इधर मैंने पानी में रात में मूंग की दाल भिगो ली थी, ये हमारी फूल गई अच्छी तरीके से। अब हम इसे निकाल लेते हैं कुकर में। इसमें डाल देंगे हम पानी। इधर हमने दो प्याज दो टमाटर ले लिया है, इसको भी डाल देते हैं इसी में। यहाँ पर हमने मसाला ले लिया है कुछ, यहाँ डाल देंगे हल्दी। हल्दी से कलर बहुत अच्छी आएगी हमारे दाल में। और यहाँ डाल देंगे हम थोड़ा धनिया, स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से हमारा दाल अच्छे से पक जाएगा। ये हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, ये डाल देंगे थोड़ा। अब इसमें लगा देते हैं ढककर। इसे हमें दो सीटी लगाना है इसमें। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं, गैस कर देते हैं ऑन। यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में हमारा दो सीटी लग के। तो देखिए फ्रेंड्स, साबुत दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्याज काट लिया है। हमने प्याज सलाद के शेप पे काटा है गोल गोल। हम थोड़ा दाल यूनिक तरीके से बनाएंगे। और यहाँ मैंने 4-5 कड़ी पत्ता ले लिया है। यहाँ हमने लहसुन को रफली घिस लिया है। और यहाँ हरी बारीकी मिर्च काट लिया है। और यहाँ हमने अदरक को भी घिस लिया है। आप चाहे तो अदरक काट के भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ घिस लिया है। तो ये हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है कुकर में। हमने दो सीटी लगाया था तो हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। और हमने इसमें जो टमाटर डाला था इसको हम मैश कर देंगे इसी में। ये हम मैश कर रहे हैं, जो हमने प्याज डाला था और टमाटर डाला था इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये पक चुका है हमारा। देखिए, हमने यह दाल तड़का लगाने के लिए फैन चढ़ा दिया। फैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। आप सरसों से भी लगा सकते हो, मैं यहाँ रिफाइंड से कर रही हूँ। रिफाइंड हमारा गर्म हो जाएगा। ये देखिए, रिफाइंड हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। ये जो 8-10 कड़ी पत्ता लिया था, ये कड़ी पत्ता डाल देंगे। और दाल में अच्छा फ्लेवर आए, खुशबू आए, इसलिए हमने यहाँ पर सौंफ ले लिया है। ये सौंफ डाल दिया। यहाँ डालेंगे हरी मिर्च। ये देखिए, जो हमने अदरक घिसा था यहाँ पर और लहसुन घिसा था, ये दोनों हम डाल देंगे एक साथ ही। तो चलाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमें एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है। ये हमने एक बड़ी इलायची ले लिया है, ये डाल देंगे। यहाँ डाल दिया है लौंग, एक लौंग। ये हम एक इलायची डाल देंगे जिसे मैंने तोड़ लिया है, इसके दाने बाहर आ जाएंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये हम डाल देंगे जायफल। पानी देता।
अब इसमें हमने जो प्याज काटा था ये सलाद सेब में ये डाल देंगे। ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छे से। अब हमने जो इसमें टमाटर और ये दाल में सारा मिक्स करा था ये हम डाल देंगे। इसे चलाएंगे। ये राजस्थान में ऐसे ही दाल में तड़का लगाया जाता है और बिहार में भी हम राजस्थानी स्टाइल में बना रहे हैं, दाल का तड़का लगा रहे हैं। आप भी लगाइए राजस्थानी स्टाइल में। काट लिया था बड़े बड़े सेब में, ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अदरक का हमारे। इसमें मैं डाल दूंगी धनिया। इसमें लाल मिर्च डालेंगे। आइए अब इस दाल में भी हम तड़का लगा देते हैं। ये देखें हमने तड़का लगाने के लिए करछल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। ये डाल देंगे तेल। तो देखिए हमारा दोबारा से दाल में तड़का लगाने के लिए तैयार हो गया है। हम फैन में ये तड़का डाल देंगे। बहुत ही यूनिक तरीके से हमने मूंग की दाल बनाई है। आप चाहे तो छिलके वाली दाल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ साबुत दाल लिया था। तो हमारा दाल बनके तैयार हो चुका है। अब गैस करते हैं हम बंद। तो देखिए हमारी तड़के वाली दाल तैयार है, साबुत मूंग की दाल। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो ये आप खाइए, बनाइए मेरे तरीके से घर पे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में दाल, और बहुत ही हेल्थी है शरीर के लिए। तो आपको मेरी साबुत मूंग की दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी दाल की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में।